हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ स्टैंडर्ड मैथ्स टू में चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये आपका प्रैक्टिस सेट 8.2 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट, यहाँ पर हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 1, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 3। इन तीन में से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया रहेगा, बाकी दो का हमें फाइंड आउट करना होगा। सो स्टूडेंट्स, चेक करते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। तो पहले इसे हम सावधानी से लेंगे। फर्स्ट पॉइंट, कॉस थीटा इज गिवन टू अस 35/37। अब बताइए कॉस के लिए क्या फॉर्मूला याद किया है आप लोगों ने, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 35/37। अब स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास ट्राइंगल होना चाहिए, सो वी आर ड्रॉइंग अ स्मॉल ट्राइंगल। ट्राइंगल नेम ऑलवेज वी विल कीप ए बी सी। हियर द गिवन एंगल थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, आप चेक कीजिए, आपके पास थीटा के लिए सामने जो है वो अपोजिट है, अपोजिट जो 90 के सामने है वो हाइपोटेनियस है, 90 के सामने हाइपोटेनियस, और बचा हुआ ऑटोमेटिक एडजेसेंट साइड है, करेक्ट। अब इसके वैल्यूज इसके अंदर भरिए। सो टेल मी, एडजेसेंट, हु इज एडजेसेंट बीसी। हाइपोटेनियस, हु इज हाइपोटेनियस एसी। सो एडजेसेंट की जगह पे हमने एडजेसेंट का नेम बीसी रखा, हाइपोटेनियस की जगह पर हाइपोटेनियस का नेम एसी रखा। यहां पर है 35/37। अब स्टूडेंट्स, हम इसे रेशियो में चेंज कर लेंगे, सो लेट्स कन्वर्ट इन रेशियो स्टाइल। बीसी इज टू एसी इज इक्वल टू 35/37। स्टूडेंट्स, अब इसे ओरिजिनल वैल्यू देंगे, तो लेट ओरिजिनल वैल्यू बीसी के लिए 35 ओरिजिनल बना रहे हो तो के ज्वाइंट करना पड़ेगा, एंड एसी के लिए कितना है 37, यहां पर भी हमें के ज्वाइंट करना होगा, करेक्ट, वी ज्वाइंटेड के। अब स्टूडेंट, दो साइड का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, दो साइड हम भर सकते हैं। बीसी वी गॉट, बीसी वी गॉट हाउ मच, 35 के। तो यहां पर लिखता हूं मैं 35 के फाइंड आउट हुआ बीसी के लिए, एंड एसी के लिए 37 के, एसी के लिए 37 के। अब ये बाकी रह गया एबी, इसे फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे, सो लेट्स यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, सेकेंड पॉइंट इन ट्राइंगल, ट्राइंगल नेम बताइए एबीसी, ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। नाउ स्टूडेंट्स, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस कभी भी पाइथागोरस में अकेला आता है, तो ए सी अकेला होगा, बचे हुए एक साथ में आएंगे ए बी एंड बी सी, सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यूज भरिए, एसी आपको पता है, एसी 37 के है, 37 के, एंड एबी, एबी वी डोंट हैव, एबी वी हैव टू फाइंड, प्लस बीसी, बीसी का वैल्यू 35 के है, सो भरिए 35 के होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर कीजिए स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर आप करेंगे तो चेक किया जाए कितना आता है, 37 मल्टीप्लाई बाय 37, 77 जा 49, 73 जा 21, 21 एंड 4 25, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 एंड 2,
11 plus them, so it's coming 1369. 1369. इसके बाद AB square 35 square you should know 1225 and A square. अब स्टूडेंट्स ये प्लस है, इससे लगता माइनस हो जाएगा. सो 1369 K स्क्वायर प्लस इससे लगता माइनस हुआ माइनस 1225 K स्क्वायर इज इक्वल टू बचा उस साइड सिर्फ ए बी स्क्वायर. अब इसे माइनस कीजिए स्टूडेंट्स, 9 माइनस 5 इज 4, 6 माइनस 2 इज 4, 13 माइनस 12 इज 1, K स्क्वायर is equal to AB square. अब सबका square root लीजिए, 144 का square root 12 होता है, K square का square root लेंगे तो square गायब, या AB square का square root लेंगे तो square गायब, means AB. That means AB we got 12K. Okay, AB आने के बाद अब जिसका भी answer वो लोग पूछ रहे हैं, हम answer बता सकते हैं. So last final point, third point we are answering. They were asking sin theta and tan theta. So tell me students, sin theta के लिए कौन सा side लिखते हैं? Opposite upon hypotenuse. Formula आपको याद होना चाहिए. Opposite पर कौन है? AB. So here we are writing AB. And hypotenuse पर कौन है? AC. So here we have to write AC. Now values. AB how much you got? AB you got 12k and AC you got 37k. KK cancel, 12 upon 37 is your final answer. Similarly they are asking tan theta, so tan theta is equal to, tell me students, tan theta formula is opposite upon adjacent. Opposite upon adjacent. Opposite theta के opposite पर कौन है? AB. So right here AB. Adjacent पर कौन है? BC. So right here BC. अब values भरिए. AB how much you got? 12k. And BC you got 35. KK cancel कीजिए, so 12 upon 35 is your answer. इस तरह से ये students हमने complete किया final answer. Students आपको homework दिया जा रहा है, इस chapter के लिए squares, number का squares आपको याद रहना चाहिए. So आप 1 से लेकर 30 तक का square याद करोगे. That means 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. इस तरह से आप 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद करोगे और स्क्रीन पर जो आपको होमवर्क दिया गया है उसे आप ट्राई करोगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो.